आप देख रहे हैं MP7 न्यूज़। सच तो सच है, हर खबर सत्यता पर आधारित। देखते रहिए MP7 न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं शिवानी धाकड़। आप देख रहे हैं लाखों दर्शकों की पसंद MP7 न्यूज़ वेब एंड यूट्यूब न्यूज़ चैनल। देखिए आज प्रदेश की ताज़ा बड़ी खबरें। नीमच, मध्य प्रदेश में नगरी एवं पंचायती चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हो गई। संभवत जनवरी फरवरी में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, जब जनता अपने सबसे निकटतम जनप्रतिनिधि का चुनाव कर अपने क्षेत्र का विकास करने का सपना देखेगी। ऐसे समय में यह आवश्यक है कि आम जन भी इस सबसे निचले पायदान पर होने वाले चुनाव में अपनी सक्रियता दिखाकर अपने प्रत्याशी का चुनाव स्वयं करे, और यह अवसर आम आदमी पार्टी आम जन को देखकर उनसे ही उनके वार्ड के लिए उपयुक्त तो उम्मीदवार का नाम आमंत्रित कर रही है। उक्त प्रेस नोट जारी करते हुए आपके क्षेत्रीय संगठन सचिव नवीन कुमार अग्रवाल ने जानकारी में बताया कि आम आदमी पार्टी आज से अपने कार्यालय पर आम जन से सोशल मीडिया, टेलीफोन, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आम जन से आह्वान कर रही है कि अपने अपने वार्ड के प्रत्याशी चयन में आम आदमी पार्टी का सहयोग प्रदान करें एवं अच्छे चाल चरित्र, ईमानदार, शिक्षित, सामाजिक कार्यों में सक्रिय व्यक्ति का नाम हमें प्रेषित करें, ताकि हम सर्वे कर उक्त योग्य व्यक्ति का चयन कर आपका क्षेत्र का आम आदमी पार्टी की ओर से उम्मीदवार बना सके। अग्रवाल ने कहा कि अभी तक भारत में पार्टियों की आदत में सुधार है कि उनके प्रत्याशियों का चयन ऊपरी स्तर से होता है, जबकि आम आदमी पार्टी के संविधान में है कि चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों का चयन आम जन एवं पार्टी कार्यकर्ताओं से राय मशवरा कर चयन किया जाए, और उसी तर्ज पर नीमच जिले में भी उक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए चयन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, और आज से अब आम जन भी अपने स्वयं का या अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम मय आवेदन महू रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर प्रेषित कर सकते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से स्वच्छ छवि के उम्मीदवार चयन में हमारा सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आपके जिला अध्यक्ष अशोक सागर ने कहा कि नीमच के सर्वांगीण विकास के लिए योग्य एवं साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवारों का नाम आम जन हमारे कार्यालय पर प्रेषित करें, ताकि योग्य उम्मीदवार का चयन करने में आपकी अपनी भूमिका दर्ज हो सके और नीमच नगर पालिका में परिषद बनाकर स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन की शुरुआत की जा सके। कुकड़ेश्वर नगर पंचायत में लगभग एक वर्ष से रिक्त पड़े अध्यक्ष पद की पूर्ति हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा आरक्षण प्रक्रिया को मूर्त रूप दे दिया है। चुनाव आयोग द्वारा अति शीघ्र निर्वाचन प्रक्रिया भी पूर्ण की जा सकती है। अनुमान लगाया जाए तो 31 जनवरी से पूर्व चुनाव संपन्न होना प्रतीत हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष पद, नगर पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदार सक्रिय हो चुके हैं। अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों की सूचियां भी लंबी बनी है। अगर बात है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के गृह नगर कुकड़ेश्वर की करें, तो यहाँ की स्थिति अलग ही दृश्य दिखाती हुई नजर आ रही है। ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में तब्दील हुई कुकड़ेश्वर नगर पंचायत में नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा रहा है। प्रथम अध्यक्ष के रूप में समरथ लाल पटवा मनोनीत अध्यक्ष रहे, उन्होंने कई विकास कार्य किए नगर में। दूसरी बार श्रीमती हेमलता दिलीप बुंदीवाल अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई। तीसरी बार पुनः समरथ लाल पटवा ने दावेदारी जताते हुए अध्यक्ष पद हेतु चुनाव लड़ा और वो विजयी रहे। ज्ञात हो समरथ लाल पटवा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के अनुज भाई हैं। लगभग
63 वर्ष की उम्र होने के उपरांत भी समरत लाल पटवा ने अध्यक्ष पद पर रहते हुए नगर पंचायत कुकड़ेश्वर का चहुमुखी विकास करवाया है, जो ऐतिहासिक कार्य है। राजनीति से या पक्ष विपक्ष से हटकर सत्य लेख है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। वर्तमान वर्ष 2020-21 में पुनः नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण हो चुका है, जिसमें अनारक्षित महिला पद हेतु आरक्षण हुआ है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए नगर की चर्चाओं में इस बार आम जन का रुझान कुछ अलग ही बयां कर रहा है। दावेदारों में कांग्रेस समर्पित श्रीमती संगीताबाई प्रमोद मालवी बाबूलांड्री व श्रीमती फुलवंती बाई रिंकू भानपिया पूर्ण रूप से चुनावी मैदान में रहेंगे। वहीं कांग्रेस से ही श्रीमती ममता मुकेश जिगर, श्रीमती मंजू दिलीप रोदवाल, श्रीमती बबली बाई नंदलाल मालवी व श्रीमती अनीता बलवंत खींची। वहीं भाजपा समर्पित श्रीमती वर्दी बाई कैलाश मालवी घाटी, श्रीमती संतोष बाई उर्फ गुड्डी बाई सुरेश मालवी टीवी, श्रीमती ललिता शंभूलाल मिलन मालवी, श्रीमती गायत्री बाई गोपाल पुष्पक मालवी, श्रीमती नरेंद्र मालवी का नाम प्राथमिक सूची में शामिल है। पिछले कार्यकाल में नगर पंचायत कुकड़ेश्वर में पार्षद पद पर रहे प्रमोद मालवी उर्फ बाबू लांड्री की धर्म पत्नी श्रीमती संगीता बाई बाबू लांड्री का नाम अध्यक्ष पद हेतु ज्यादा प्रतिशत में नगरवासी ले रहे हैं। नगर की चर्चाओं में प्रथम स्थान पर आज की स्थिति में आम जन बाबू लांड्री को अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। दावेदारों की संख्या दहाई अंकों में है, पर टॉप पर जनता की ओर से बाबू लांड्री पहली पसंद बने हुए हैं। समीकरणें कब, क्या, कैसी बनेगी? कांग्रेस बीजेपी किसे अधिकृत उम्मीदवार घोषित करेगी? ये समय पर तय होगा। बीजेपी कैलाश मालवी घाटी पर विश्वास जता सकती है, वहीं कांग्रेस बाबू लांड्री पर भरोसा जता सकती है। दावेदारों में लगभग 10 से अधिक नाम है, पर दोनों दलों की ओर से इन नामों पर मोहर लगने के आसार काफी ज्यादा प्रतिशत में दिख रहे हैं। कौन होगा अध्यक्ष? किसको करेगी कांग्रेस बीजेपी अधिकृत? क्या बैठेगी समीकरण? यह भविष्य पर निहित है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें